हेलो दोस्तों, आज मैं नोटो से पुडिंग का एपिसोड नंबर 18 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीम गाई और टीम काकाशी अकात्सुकी के सीक्रेट प्लेस के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर निजी अपने व्याकुवान से अंदर देखता है। वो देखता है कि अंदर में बहुत सारे लोग हैं। निजी गारा को भी वहाँ देखता है और निजी गेडो स्टैचू की हरकत को देखकर चौंक जाता है। इधर नोटो उसे पूछ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। निजी कहता है कि शब्दों से बताना मुश्किल है। तबली कहता है, इसका मतलब हमें खुद अंदर जाकर देखना पड़ेगा। तब गई सेंसे उस शिला पर एक पंच मारते हैं ताकि वो टूट जाए, पर वो शिला एक तरह के बैरियर से बंद था। और तब इधर अकात्सुकी का लीडर कहता है, बाहर शोर हो रहा है, लगता है मेहमान आ गए। तब दईदारा किसामे से पूछता है, कौन सी टीम आई है जिसे मेरे यार किसामे ने रोका था, या दूसरा वाला? तब ब्लैक जस्सू बताता है कि दोनों टीम आ गई है, पर उन्हें देर हो गई। और तब सासोरी इताची से कहता है, लगता है उसमें से एक चिंचुरी की है, हमसे जलना मत इताची। यहाँ कई सेंसे कहते हैं कि यह एक बैरियर से बंद है और इस बैरियर को हटाना होगा। तब सकुरा कहती है, पहले हमें यह पता लगाना होगा ये किस तरह का बैरियर है। लेडीचियो काकाशी सेंसे से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। काकाशी सेंसे कहते हैं, शायद यह फाइव सील बैरियर है, एक फाइव सील जिसके पेपर टैग पर फोर हिडन लिखा होता है और पांच अलग अलग जगहों पर लगा होता है। एक टैग हमारे सामने है और चार यहीं कहीं होंगे, और इसे सीधा हटा भी नहीं सकते। हमें सारे टैग एक साथ एक समय पर हटाने होंगे। सारे टैग को एक साथ हटाने पर ही बैरियर हटेगा, काफी मुश्किल है। एक टैग हमारे सामने है, मतलब चार टैग और है। तब नोटो पूछता है कि बाकी के चार टैग कहाँ है। तो काकाशी सेंसे नेजी को ढूंढने को बोलते हैं। नेजी अपने व्याकुवान से देखता है कि बाकी के चारों टैग कहाँ हैं, और वो बताता है, मिल गया 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट पर एक चट्टान पे, दूसरा नदी के किनारे पेड़ पे है 350 मीटर साउथ ईस्ट पर, तीसरा 650 मीटर नॉर्थ ईस्ट पर, और आखिरी 800 मीटर साउथ वेस्ट पर। जंगलों में ये चार जगह हैं। तब सकुरा कहती है, सब के सब एक दूसरे से काफी दूर है, हम एक दूसरे को सिग्नल कैसे देंगे। तो गाइसेंस से एक वायरलेस रेडियो निकालते हैं, और इसके बाद गाइसेंस की टीम नेजी के बताए जगहों पर जाने को तैयार थे। और इधर कार्सुकी कहता है, तो हम शो शुरू करें, बाहर मेहमान खड़े हैं और हमें अपना मिशन भी पूरा करना है। सासोरी री द्वारा मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करना, पर मुझे जिनचुरी की जिंदा चाहिए। तब दईदारा कहता है, मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। इसके बाद बाकी के अकात्सुकी वहाँ से चले जाते हैं। उनका होलोग्राम बंद हो जाता है और इताची भी जाने वाला होता है। तब सासुरी इताची से पूछता है, ये 910 चिंचुरी की कैसा है। तब इताची कहता है, वो सबसे पहले चिल्लाएगा और भौंकेगा। तब सासुरी इसका मतलब पूछता है, और दईदारा कहता है, क्या भौंकने के अलावा कोई दूसरी पहचान नहीं है उसकी। पर इताची कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। इधर गाइस से सभी को अलग अलग जगह पर भेज रहे होते हैं। ली को नॉर्थ वेस्ट में जंगल की ओर, नॉर्थ ईस्ट के चट्टान पर नेजी को, टेंटेन को साउथ ईस्ट पर, और गाइस से खुद साउथ वेस्ट पर जाने का प्लान करते हैं। और तबली उस रेडियो को टेस्ट करने के लिए कुछ कहता है। इसके बाद वे निकल जाते हैं। फकुन भी वापिस चला जाता है। तब गाइस से कहते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, टीम गाई पहली टैग ढूंढेगी, जब सब अपने पोजीशन पर आ जाए तब सिग्नल पर एक साथ हटाएंगे, समझ गए? और टीम काकाशी भी तभी हटाएगी, और इस तरह हम फाइव सील बैरियर को तोड़ देंगे। तब काकाशी सेंसे कहते हैं, बैरियर के हटते ही सकुरा चट्टान को तोड़ देगी, वो होगा अंदर जाकर गारा को बचाने का सिग्नल। इधर दईदारा कहता है, इतना लेट कितना इंतजार करवा रहे हैं, कुछ कहोगे नहीं मेरे यार सासुरी? मुझे लगा तुम्हें इंतजार करना पसंद नहीं। तब सासुरी कहता है, हाँ मुझे नफरत है। इधर बाहर में लेडीचियो सासुरी के बारे में सोच रही थी, और इधर नेजी उस टैग के पास पहुंच जाता है
गई से सभी पहुंच जाते हैं, टेंटेन भी पहुंच जाती है। पल्ली को वो सील नहीं मिलता। नेजी उसे अपने व्याकुल आंसर देख कर बताता है और वे सभी तैयार हैं सील को निकालने के लिए, और उसके बाद वे सील को निकाल देते हैं। तब इधर सकुरा उस चट्टान को तोड़ती है। इधर टिमगाई के सामने की जमीन से कुछ निकलता है। इधर टिमकाकाशी उस गुफा के अंदर जाते हैं। वे देखते हैं कि देदारा और सासुरी वहीं पर होते हैं और गारा के ऊपर देदारा बैठा होता है, और ये सब देख कर नोटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तब देदारा पूछता है कि तुम में से जिंचुरी की कौन है। तब नोटो गुस्से से कहता है, तुम कमीनों को मैं मार डालूंगा। तब सासुरी कहता है, सबसे पहले चिल्लाया और भौंका मतलब ये है ओ जिंचुरी की। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है।